हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी आज करौली जिले के दौरे पर रहे। श्री पायलट सुबह जयपुर स्थित खासा कोठी से विशेष बस द्वारा प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता गणों के साथ सड़क मार्ग द्वारा करौली के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी, वरिष्ठ नेता श्री सीपी जोशी जी, श्री मोहन प्रकाश जी, सांसद डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर रघु शर्मा जी भी साथ रहे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के एक साथ आगमन से जनता सहित कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने जगह जगह कांग्रेस जनों का भव्य स्वागत कर अभिवादन किया। आज करौली में कांग्रेस द्वारा त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में भरतपुर संभाग के संकल्प महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा, कांग्रेस को अपना समर्थन देकर भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री पायलट जी ने कहा कि उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के बाद आज भरतपुर संभाग में इस संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है और जहां भी कांग्रेस की सभाएं हो रही हैं, वहां जिस तरह का भारी समर्थन जनता द्वारा कांग्रेस को मिल रहा है, उससे जनता का कांग्रेस के प्रति रुझान स्पष्ट हो गया है। भाजपा सरकार सत्ता में बैठकर प्रशासन का दुरुपयोग करने के बावजूद भी जनता को लुभा पाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को भले ही हम नौसिखिए लगते हों, राजनीति में कच्चे लगते हों, लेकिन इस मंच से मैं उनको कहना चाहता हूं कि भले ही उम्र में आपसे छोटा हूं, पर राजनीति के मैदान में आपको पटखनी देने का दम रखता हूं। ये जो यहां आज अपार जन समूह उमड़ा है, ये इस बात का प्रतीक है कि भाजपा सरकार ने जनता विशेषकर भरतपुर संभाग के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया। मुख्यमंत्री जी की वादा खिलाफी और जन विरोधी नीतियों के चलते जनता में भारी आक्रोश है। भारी बहुमत के बावजूद भाजपा सरकार ने जनता को प्राथमिकता देने के बजाय जातिवाद और धन के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम किया है। हर समाज, हर वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। फिर चाहे मीना मीणा विवाद हो या फिर STSC एक्ट में संशोधन की बात हो, भाजपा सरकार ने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो किया, लेकिन विवादों को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पायलट ने कहा कि करौली की जनता का आज असीम प्रेम देखकर हम सभी अभिभूत हुए हैं। जिस भारी संख्या में जनता ने सड़कों पर उतर कर कांग्रेस की इस संकल्प रैली को ऐतिहासिक बनाया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि जनता ने भाजपा सरकार की विदाई का मन बना लिया है। आज यहाँ मंचा सीन सभी कांग्रेस नेतागण आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि आपके आशीर्वाद से जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसमें आपकी भागीदारी होगी। आपको लगेगा कि आपकी सरकार बनी है जिसमें आपकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान करने वाले बैठे हैं। करौली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।